हमारे डेटा में जॉब कई बार रिपीटेड है और मुझे सारे पूजा का डेटा लेके आना है कुछ इस फॉर्मेट पे, जो कि यहाँ पे कहा जहाँ पे हमने मैन्युअली लिखा हुआ है इस फॉर्मेट कैसे लेकर, क्योंकि अगर नॉर्मल इसको लेके आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब नॉर्मल नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं ये सारे के सारे खुद से उठ के आ जाए, तो कैसे करें? क्या वी लुकअप के साथ पॉसिबल? देखिए वी लुकअप के साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए एक बार। जी जरूर सर। वी लुकअप के साथ ये पॉसिबल नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं है चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि अगर हम वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट किए और डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किए कॉमा 2,0, तो सिर्फ एक पूजा जो है वो आएगा, दूसरा पूजा नहीं आएगा। तो वी लुकअप किसी भी कंडीशंस में किसी भी तरीके से दो डेटा को लॉगिंग नहीं कर सकता है, जितना बार लगाइएगा हमेशा वो पहला 57 ही देगा। तो देखिए पुराने एक्सेल में तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था, हमें वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं नए एक्सेल की, तो नए एक्सेल में हमारे पास एक फॉर्म एक तरीका है टेक्स्ट ज्वाइन का। जी हाँ, टेक्स्ट ज्वाइन उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ज्वाइन ये बोलिए। 2010 वाले में काम नहीं करता है क्या नहीं, टेक्स्ट? अब टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या है फिर जान लीजिए। टेक्स्ट ज्वाइन हमने आपको बताया भी था, जो हमने टेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर अपना एक एरिया को लेता है और उस एरिया में जितने भी सेल वैल्यू है चाहे नाम है, उन सब को आपस में कंबाइन कर देता है। तो टेक्स्ट वैल्यू कंबाइन करने का काम यहाँ पे करता है। तो यहाँ हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, तो वी लुकअप नहीं माफ कीजिएगा, टेक्स्ट ज्वाइन पे। वी लुकअप तो लगेगा ही नहीं ना, टेक्स्ट ज्वाइन हमने बोला कि ये होना चाहिए और हमने पॉज कर दिया कि ब्लैंक को इग्नोर कर दे, ब्लैंक ब्लैंक को काउंट में ना ले। उसके बाद यहाँ हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू पूजा। उसके बाद हम अपना ये जो नंबर है जो लाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉल्स पार्ट में ब्लैंक दे दें। ये बहुत जरूरी है कि फॉल्स पार्ट में आप क्या दें, ब्लैंक दें। ब्लैंक देने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि ये इस तरह से आ गया। सॉरी, यहाँ ट्रू था, अब फॉल्स था, हमें ट्रू करना चाहिए। तो ट्रू ना करते तो ब्लैंक बीच में आ जाता, बहुत सारे कॉम आ जाता, हमने यहाँ पे क्या किया, पॉज कर दिया। तो ये कर क्या रहा है, मतलब कि वर्क कैसे कर रहा है? हमने इस पे इफ भी लगा दिया, ट्रू टेक्स्ट ज्वाइन भी लगा दिया, कैसे वर्क कर रहा है? इसको समझने के लिए हमें जाना होगा एवलेट फॉर्मूले के अंदर। एवलेट फॉर्मूले में समझेंगे कि वी लुकअप वाला जो पार्ट है ये कैसे कर दे रहा है। तो सबसे पहले इफ जो है सारे नेम को चेक करता है कि सब पूजा तो नहीं है, और जहां जहां पूजा है देख पा रहे हैं कि जहां जहां पूजा है उस पे क्या कर रहा है, उस पे वो वैल्यू डाल दे रहा है। और जहां फॉल्स था मतलब तो जहां पूजा नहीं था वहां इफ ने फॉल्स दिया, तो वहां वहां उसने ब्लैंक डाल दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन को इतने सारे डेटा ज्वाइन करने के लिए मिले और साथ में उन्होंने यहाँ पे उसको ब्लैंक मिला, तो यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। हमने बोला हुआ कि इग्नोर द ब्लैंक, तो इग्नोर द ब्लैंक करने पे क्या हुआ, सारे ब्लैंक को इग्नोर कर दिया, सिर्फ नंबर को यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया। समझा निकेत जी और अम्मी जी? जी सर, चलिए एक बार और इसको मैं लगा के बताता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए ओम का चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में चले गए कॉमा 2,
क्या सही है? नहीं, वी लुकअप से तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, सिंपल आएगा। तो वी लुकअप के जगह पे हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, और यहाँ पे देंगे कॉमा, यहाँ देंगे ट्रू, और हम सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा को, मतलब कि नेम को, कि नेम इक्वल टू क्या है, ओम। हमने क्या सिलेक्ट किया? इक्वल टू ओम। अगर ऐसा है जिसके सामने वाली जो क्वांटिटी है उसको शो कर दो, अदरवाइज इन्वर्ट कॉमा को हमने ओपन किया एंड क्लोज कर दिया, इसका मतलब हो गया ब्लैंक। और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉल्स 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 आया। क्या बोले? इफ नहीं लगाया मुझे। जी हाँ, एक छोटी सी चीज छूट गई, इफ छूट गया, इसलिए फॉल्स फॉल्स आ रहा था। अब सही है? चलिए, ये हो गई। दूसरा बात आता है कि मेरे पास डेटा इस तरह के डुप्लीकेटेड है, लेकिन मैं इस तरह से कंबाइंड रिजल्ट नहीं चाहता हूँ, मैं फिल्टर की तरह चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे पूजा लिख दिया तो जैसे फिल्टर करते समय पूजा का पूरा डेटा आ जाता है ना, जैसे अजीत सेलेक्ट कर लिया तो अजीत का पूरा डेटा इस तरह से दिख गया, क्या सर? ऐसे डेटा कहीं लेके आना चाहिए तो ये चीजें दो तरीके से की जा सकती है। एक, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप यहाँ फिल्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फिल्टर, हमने डेटा को सिलेक्ट किया, हमारा कंडीशन किसमें चेक करना है, तो मेरा कंडीशन चेक करना है हमें कॉलन ए के अंदर, कॉलन ए में गए और इक्वल टू हमने लिया पूजा और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए जितने भी पूजा है सबका डेटा आ गया। अब मैं पूजा के जगह पे यहाँ पे ओम करूंगा तो ओम का डेटा आ जाएगा, मैं पूजा के जगह पे यहाँ पे दिल्ली करूंगा, नहीं दिल्ली नहीं है, सॉरी इंदु, इंदु करूंगा तो इंदु का डेटा आ जाएगा, राइट सर? तो पूरा डेटा हमें कौन सा दे दिया? फिल्टर ने दे दिया। अच्छा, इसमें एक चीज, चलो फिल्टर समझ में आ गए। फिल्टर के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि मुझे कुछ ये भी लगाना है कि अपने हिसाब से भी देना है, जैसे क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी वही चाहिए जो ग्रेटर देन 50 हो, कर पाएगा भी लोग फिल्टर? ये फिल्टर में आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, हमने कर दिया मल्टीप्लाई का सिंबल और इंक्लूड में हमने अपना क्वांटिटी लिया और बोला कि ग्रेटर देन 50, रिजल्ट वैल्यू का आई फॉर द टेक्स्ट है ना, तो उसमें नहीं, इसमें से क्लॉज हो रहा नहीं, इसको ब्रैकेट में रखना। मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं बट यूज द ब्रैकेट। प्लस, तो प्लस जो होता है और की तरह काम करता है, प्लस की तरह काम करता है और की तरह। तो इसमें क्या हुआ कि इसने इंदु का भी ले लिया, इंदु का लिया और साथ में क्वार्टर में क्वांटिटी में जो ग्रेटर देन 50 था उसको ले लिया, समझ गए? लेकिन अब मैं प्लस की जगह पे कर दू मल्टीप्लाई तो क्या होगा? तो एंड मेथड काम करेगा। कौन सा मेथड काम करेगा? एंड मेथड, मतलब कि हम वही लेंगे जो क्वांटिटी, हम वही लेंगे जिसके जो कि नाम के अंदर इंदु होगा या पूजा होगा लेकिन क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होगा, समझ रहे हैं सर? तो आप यहां पे देखिए, जब आपके पास इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगाने हो तो फिल्टर फॉर्मूले में हर कंडीशंस को ब्रैकेट में रखे। अगर आपको और कंडीशन लगाना है तो यहाँ प्लस होगा, अगर आपको एंड कंडीशन लगाना हो तो मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से दो कंडीशंस आप फिल्टर फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर एक लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग,
इसमें आप जो भी डालेंगे वो लिस्ट की तरह खुल के आता है। लेकिन इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया फिल्टर का। जाहिर सी बात है कि फिल्टर का फॉर्मूला आपके एक्सेल में नहीं होगा अगर आपका एक्सेल 2019 नहीं है तो क्या करें इसके लिए। अगर मुझे अगर सेम रिजल्ट चाहिए होगा और मेरे पास पुराना एक्सेल है तो क्या करेंगे, कर सकते हैं, उसके लिए भी जुगाड़ हमारे पास है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपना क्या बोलते हैं उसको देसी जुगाड़ लगाना। तो हम वी लुकअप इस तरह करने के पहले हम जो नेम है, क्योंकि नेम वाइज लुकअप करना है, तो नेम के बगल में एक हमने ले लिया और यहाँ पे एक यूनिक आईडी यूआईडी हम जनरेट करेंगे। यूआईडी जनरेट कैसे करेंगे, तो यूआईडी जनरेट करने के लिए हम यहाँ जस्ट काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। किसे लगाएंगे, काउंट इफ। अब बोलेंगे सर काउंट इफ अगर मान लीजिए बी टू को पूरे बी कॉलम के अंदर और बी टू को लुकअप करते हैं तो ये तो पूरा बता देगा कि पूजा सिक्स है। लेकिन नहीं, मुझे जो यहाँ चाहिए चाहिए कि वन पूजा, और फिर जैसे ही पूजा यहाँ रिपीट हुआ यहाँ पर हम कर देंगे टू पूजा और नीचे रिपीट हुआ, मतलब हर पूजा को एक अलग सीक्वेंस नंबर देना चाहते हैं और पूजा के साथ साथ जितने भी नेम है सबको ऐसे। तो जितना बार रिपीट है ना उतना सिक्वेंस हमें देना है। तो हम लगाएंगे तो काउंट इफ का ही फॉर्मूला, पर थोड़ा सा इसमें ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हम बी टू से बी टू को सिलेक्ट किए और वापस बी टू को सिलेक्ट कर दिए, मतलब कि बी टू से बी टू कॉमा बी टू, बी टू से बी टू कॉमा बी टू, और यहाँ एफ वन को प्रेस करके इसको हमने कर दिया, डबल क्लिक करके इसको फोर करके फ्रीज कर दिया। पहले वाले बी टू को हमें कर देना है फ्रीज और इसको फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब मैं अगर फिल्टर लगा के चेक करता हूं तो आप देखेंगे कि हर का एक अलग नंबर आ गया। देखिए अजीत का दिख गया, ऐसे ही बाकी वो नाम का भी आप देखेंगे कि इस तरह से मल्टीपल वैल्यू जब थी तो उसने सीक्वेंस दे दिया। अब सिर्फ सीक्वेंस से काम तो चलेगा नहीं, अभी भी तो सीक्वेंस रिपीट ही है। तो इस केस में हम सीक्वेंस के साथ कॉनकेट करेंगे, जी हाँ कॉनकेट करेंगे उसका सीरियल नेम, सॉरी तो नेम और सीरियल नंबर आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। नीचे की तरफ इसको ड्रैग कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पूजा को ही ले रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वन पूजा, टू पूजा, थ्री पूजा, फोर पूजा, फाइव पूजा, सिक्स पूजा, हो रहा है सर। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने एक यूनिक बना लिया। अब यहां भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, तो मैं एक बार और यहां काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के नेम को काउंट करवाते हैं कि कभी हमारा है तो कितना बार है इस पूरे डेटा में। फिर मैंने मैनुअली वन लिखा और इफ का फॉर्मूला याद होगा, इस सीरियल नंबर बताया था आपको मैंने, इसमें प्लस वन करने पे क्या वो ग्रेटर देन फाइव है, मतलब मैं सीरियल नंबर भी उतना ही बनाना चाहूंगा जितना हमारा डेटा है, कम न ज्यादा, इसलिए ऐसा किया। अगर ज्यादा है तो ब्लैंक, नहीं तो ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे। और इसमें कुछ चेंजिंग करने होंगे क्योंकि इसमें लगाने होंगे हमें इफ एरर, ताकि ब्लैंक एरर हो तो ब्लैंक हो जाए, और एरर होगा जब सीक्वेंस नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा तो। और जी फोर को फ्रीज करना होगा क्योंकि ये फिक्स सेल में है, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखेंगे कि पांच है तो पांच, अगर कल के रेट मान लीजिए ओम लिखता हूँ तो ओम भी पांच ही है, तो मैं ओम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो जैसे बढ़ाऊंगा ऐसे सीरियल बढ़ गया, दिख रहा है सर। तो जितना सीरियल घटेगा उतना घटा देगा, मान लीजिए आप देव कर देता हूँ तो देव का ज्यादा है तो 16 बार आ गया, और यहाँ पूजा कर देता हूँ तो पूजा का 6 बार या 5 बार होगा, पूजा भी ज्यादा है। इंदु
सॉरी, यहाँ यहाँ का काउंट डिलीट हो गया, मैं नाम यहाँ चेंज करना चाहिए था ना। हाँ कट गया। अब यहाँ लगाएंगे वीलुकअप, अब ये तो होगा वीलुकअप से ही। हम यहाँ लगाएंगे वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया एन परसेंट डैश अगेन एन परसेंट, और हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4, और यहाँ पे कॉमा 4 कॉमा 0। सर पूजा को सेलेक्ट करना था ना, क्या? हाँ, एन इसको पूजा भी सिलेक्ट परसेंट करना पड़ेगा ना, इसको सेलेक्ट करके एन परसेंट देंगे, अगेन एन परसेंट पूजा को सेलेक्ट करेंगे, और टेबल में जाएंगे डेटा को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और करेंगे 2 कॉमा 0 ताकि पूजा का नाम आ जाए, और नीचे ड्रैग करने के लिए हमें F4 को डिलीट करना होगा, इसे F4 करना पड़ेगा, इसको AD को भी फ्रीज कर देते हैं, और इसको यहाँ पे इफ एरर फॉर्म में लगा देते हैं ताकि अगर एरर आता है तो ब्लैंक हो जाए, और इसको नीचे की तरफ आप ट्रैक कर, और फिर वापस इसको यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मूला के साथ डबल इक्वल लग गया, और यहाँ 2 के जगह पे हो जाएगा हमारा 3, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इसी को कहते हैं वीलुकअप लिस्टिंग। बहुत सारी जगह पे पूछेगा कि वीलुकअप लिस्टिंग आता है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ वीलुकअप लिस्टिंग हमें आता है। तो ये देखिए कि जितना बार रिपीट है उतना डेटा आ गया, चाहे पूजा है या ओम है। आप देख पा रहे हैं कि डेटा घट रहा है तो घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और नाम लिख देता हूँ के। अब यहाँ मैं डालता हूँ के एक बार है, सॉरी मैं बार बार यहाँ चेंज कर देता हूँ, के एक ही बार है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप का चैप्टर होता है खत्म। हमने लुकअप के सारे मेथड हर एंगल से कैसे कैसे लुकअप करेंगे पिछली 4-5 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया। आपको मैंने प्रैक्टिस शीट भी दी, आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए। आई होप कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, और वी लुकअप मेरे हिसाब से आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। लेकिन फाइनली हम रिपोर्ट ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि हम रिपोर्ट को ऑटोमेट कैसे करें। चलिए एक और टास्क आपको हम देते हैं, आपके पिछली टास्क भी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये भी देते, दोनों इकट्ठा करके मुझे भेजिएगा। तो टास्क ये है कि आपके सामने देख पा रहे हैं कि जब मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ तो नेम लिखते ही यहाँ पे डेटा आ जाता है। मुझे यहाँ एक कॉलम छोड़ के यहाँ या एक ही यहीं पे टोटल को ऐड करना है। एक कॉलम छोड़ के भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते, समझ गए, यहाँ भी कर सकते, और एक फॉर्मूले के साथ होना चाहिए, और यहाँ इसका टोटल दिखना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ऊपर नीचे होगा तो ये भी अपने आप को ऊपर नीचे कर रहे, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ टोटल, ऐसे स्टेटमेंट नहीं होता है कि जैसे आपने यहाँ नीचे इसका टोटल आ गया, तो ऐसे यहाँ इसका भी टोटल आना चाहिए। ये आपका आज का टॉपिक है, ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग दोनों में आपको भेज देता हूं। आई होप कि आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, मिलते हैं कल। और YouTube पे जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा कि मेरे लाइव वीडियोस को देखें, अभी 6 बजे की क्लास भी आप लोगों ने ज्वाइन किया वीलुकअप की चौथी और फाइनल स्टेज को पढ़ने के लिए। कल भी क्लास होगी तो कल 2 क्वेश्चन जो हमने दो उनको होमवर्क दिए उनको चेक करूंगा, अगर उन्होंने नहीं बनाया तो फिर मैं बना के दिखाऊंगा और आपको लाइव हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपको मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आप जूम ऐप के थ्रू मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, सारे क्वेश्चन सारे डाउट मुझसे पूछ रहे थे। नहीं तो आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स को भी ले सकते हैं, तो फटाफट नीचे देखिए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे ऐप का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।